दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ पूछना चाहता हूँ और आप लोगों को कुछ बताना भी चाहता हूँ। क्या आप किसी ऐसे जगह के बारे में जानते हैं जहाँ पर साइंस नाम का वर्ड काम नहीं करता है, जहाँ पर कोई भी साउंड एनर्जी काम नहीं करती है और जहाँ पर हवा अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करने की देखेंगे और जिसका रहस्य अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए, जहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी एंट्री करने से मना कर दिया। क्या आपको पता है इस सारी बातों के बारे में? चलिए दोस्तों, मैं आपके बताते हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के जगन्नाथ मंदिर के बारे में। इस जगन्नाथ मंदिर भारत के चार पवित्र धामों से एक है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर भारत के सुदर्शन और सबसे बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर 12 सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी किंग ने किया था। इस मंदिर के अंदर 9 रहस्यमय बात है जिसका अनुसार आज तक कोई नहीं निकल पाए है। जैसे कि आप इस जगन्नाथ मंदिर के टॉप में जो फ्लैग देखा होगा वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है, लेकिन नॉर्मली एक फ्लैग को आपने देखा होगा वो फ्लैग हवा के डायरेक्शन में लहराता है और इस मंदिर के टॉप में एक चक्र है। आप इसे किसी भी एंगल से देख लो वो अपने साइड में ही देखेगा। इस जगन्नाथ मंदिर को इस तरह का से डिजाइन किया गया है। इस जगन्नाथ मंदिर के सामने अगर आप खड़े होते हो आपको समुद्र की लहरी की आवाज आई तो इस मंदिर के अंदर आप जैसे जाते हो तो इस समुद्र की लहरों की आवाज बिल्कुल गायब हो जाती है और बाहर का आवाज अपना अपने गायब हो जाता है। वैसे कि समुद्र की तौर पर हवा दिन के समय भूमि की ओर चलते हैं और यहाँ पर हवा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। कोई भी पक्षी, हेलीकॉप्टर, एयरबस इसके ऊपर नहीं उड़ सकते है। अगर आपने देखा होगा जितने भी मॉन्यूमेंट और टेम्पल है वह हाइट वाली प्लेस पर होते है, पक्षी वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, परंतु हमारे जगन्नाथ टेम्पल पर कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकते। और इस मंदिर में एक खास बात यह है कि अगर एक दिन में 1 लाख लोग आ जाए तो इसका प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है और कभी भी वेस्ट नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ असीम सरकार और आप देख रहे हैं टॉप वायरल पैक। इस जगन्नाथ मंदिर के टॉप में जो झंडा लगा हुआ है वो हर रोज चेंज होता है। अगर गलती से भी एक फ्लैग एक दिन चेंज किया ना जाए तो ये मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाती है। और यहाँ पर प्रसाद बनाने का तरीका कुछ डिफरेंट है और यहाँ पर 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और नीचे लकड़ी की आग होती है। और शॉकिंग वाले बात है कि सबसे टॉप में जो बर्तन होता है वो सबसे आगे पकता है और नीचे वाले जो बर्तन है वो सबसे आखिरी में पकता है। ऐसा कैसे? कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी अपना शरीर को छोड़े थे तो उनका शरीर खत्म हो गया था, लेकिन इनके शरीर के दिल को कुछ भी नहीं हुआ था और वो बचा रहा गया था। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी सोमनाथ टेम्पल में विश्राम कर रहे थे इस समय घोड़ा नाम का एक शिकारी उनके पैरों पर तीर मार देता है। असल में उसे लगता है कि वहाँ पर कोई हिरन है जिसके वो शिकारी ने शिकार करना चाहता था और उसी तीर के लगने की वजह से भगवान श्री कृष्ण जी अपने शरीर को छोड़ते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत के पहले कहा दिया था इस शरीर का छोड़ने का कारण उसका पैर ही बनेगा, लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण ऐसे छुपा हुआ है। दोस्तों कमेंट बॉक्स से बताओ कि इसके बारे में आपका कोई जानकारी है तो। और इस तरह का मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का दिल आज भी जगन्नाथ के टेम्पल में है और यहाँ पर 12 साल में मूर्ति को बदला जाता है। जिस दिन ये काम होता है उस दिन उड़ीसा सरकार ने इस इलाका में इलेक्ट्रिसिटी काट कर देता है ताकि इसे कोई ना देख पाए। और जो बंदा इस मूर्ति को चेंज करता है उसकी आंख पर भी पट्टी बांध दी जाती है जिसे वो इंसान इसे देख भी ना पाए। और पुरानी मूर्ति में जो पदार्थ है जिसे भगवान श्री कृष्ण जी का दिल माना जाता है और गलती से भी इसे किसी ने देख लिया वो इंसान अपने शरीर को टैग कर बैठेगा। इस बात बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा रहस्यमय चीज है।